एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने कहा, 100 रुपए का। टीचर, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ी कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड्ढा पढ़ाया है। ये 100 रुपए का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है, वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जितनी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।